साइड बी और काजल चौधरी मैम, और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं NSCJS 2022 का क्वेश्चन पेपर। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व करवाने वाली हूँ, केमिस्ट्री हम सर सॉल्व करवाएंगे, एंड फिजिक्स ऑलरेडी आपके आर्यन सर सॉल्व करवाते ही हैं। तो दोस्तों 2022 का पेपर अगर मैं देखूं और अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं, तो यहां पर अगर 11th 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ये पेपर काफी हद तक आप सॉल्व कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत मुश्किल पेपर था, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था, मीडियोकर पेपर था आप लोगों का, बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर था। अगर आपके चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आप ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। और जैसे कि मैं हर बार आपको समझाती ही हूँ कि भैया डायग्राम्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां से आते हैं सवाल, फ्लो चार्ट जरूर पढ़ लेना, बॉक्सेस जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और ये मैं आज आपको साबित करूंगी। सो पेपर ठीक ठाक था, बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी है और थोड़ा 11th 12th के टच में अगर आप हैं तो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इस टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। सो क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट बेसिकली मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि भाई कौन सा पेपर कौन से नंबर का था, कब सवाल पूछा गया था, सारी चीजें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ NSCJS के बारे में। तो जब कभी भी हम NSCJS को देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। बेसिकली हम 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसमें आपको 120 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। कितने मार्क्स का पेपर होता है भाई? 216 नंबर का पेपर होता है। आपको इसमें सारे के सारे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और यहाँ पर आपको बेसिकली बबल करना होता है क्या चीज, करेक्ट आंसर। सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी NSCJS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। और अगर आप इस बार पेपर देने की सोच रहे हो भाई, तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, और इन चीजों का खास ख्याल रखना है। मेक श्योर कि आपको 120 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि बहुत आसान पेपर आता है, अच्छे खासे लेवल का आता है, तो आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना पहला सवाल देखते हैं कि 19th सेंचुरी फार्मर्स थे जापान में, उन्होंने देखा कि कुछ सीडलिंग है राइस की, वो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। उन्होंने इस बीमारी का नाम बिग कैन डिजीज बताया, या फिर मैड सीडलिंग डिजीज बताया। जितने भी मैड प्लांट थे वो फाउंड थे वे इन्फेक्टेड बाय अ फंगस, फंगस का नाम था फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मे। This lead to the discovery of phytohormone. सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि भाई ये मैम फाइटोहार्मोन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुन लीजिए। फाइटोहार्मोन आर द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स, है ना। बेसिकली हम पांच टाइप के प्लांट हार्मोन पढ़कर चलते हैं, जिसमें फर्स्ट जिब्रिलिन, ऑक्सिलिन, साइटोकाइनिन, इथिलिन, एब्सिसिक एसिड, ये नाम सभी ने सुने होंगे। तो उसी एक हार्मोन की डिस्कवरी इस चीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैरिलिन, ऑक्सिन, फ्लोरिजन या जिब्रिलिन। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाना चाहती हूँ। सो बात है 1930 की। यहां पर आपको बताया गया किस चीज के बारे में कि भैया फूलिश सीडलिंग डिजीज हुई थी राइस की, और इसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्यूरिया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने, जो जापानी साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या चीज डिस्कवर कर डाली। तो भैया उन्होंने यहां पर कवर कर डाला था जिब्रिलिन्स। क्या कवर कर डाला था भैया? जिब्रिलिन्स के बारे में हमें बता दिया था सारी की सारी चीजें कि भैया ये जिब्रिलिन्स हार्मोन है, और इसी को हमने फाइटोहार्मोन का नाम दिया। यानी फाइटोहार्मोन जब कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि आपसे बात की जा रही है किस चीज के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। तो ये जितना भी इंसिडेंट था, ये लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ वन हार्मोन, दैट इज योर जिब्रिलिन। तो जितने बच्चे 2022 का पेपर दे चुके हैं, आंसर इज जिब्रिलिन, आपको पता ही होगा। जिन्होंने नहीं दिया है तो वो सीख जाइए कि भैया एक्सपेरिमेंट से अगर कोई चीज डिस्कवर हो रही है आपको पता होनी चाहिए। किसी भी डायग्राम से कोई भी हमारा कंक्लूजन निकल कर आ रहा है आपको पता होना चाहिए। कुछ भी ऐसी डिस्कवरी जो थोड़ी सी एक्सेप्शनल हो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही तो आपकी नॉलेज चेक होती है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, और दूसरा सवाल है हाँ इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिक। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको दिया जा रहा है कि व्हेन द ओव्यूल इज मैच्योर, तो पॉलन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा,
ट्रैवल थ्रू स्टाइल एंड अल्टीमेटली कहां पर पहुंच जाते हैं, ओव्यूल में, है ना। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पॉलन ट्यूब है उसका जर्मिनेशन अगर 3 तरीकों से करवाया जाए, जो कि पॉसिबल होता है, कौन सा तरीका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये डायग्राम देखना है, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन था। यहां पर एक बी पोर्शन है, एक सी पोर्शन है और एक ए पोर्शन है। अगर आपने ये डायग्राम पहले नहीं देखा है तो पहले मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले 2 स्टेज 4 स्टेज 8 स्टेज और 8 आप लोगों की कन्वर्ट हो जाती है, 3 सेल एंटीपोडल पर चले जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई विद सेंट्रल सेल सिनर्जिड्स एंड योर एग। अगर मैं आप लोगों से मैच्योर्ड फीमेल की बात करूं तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में खास तौर पर गिवन है। यहां पर आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये माइक्रोपाइलर एंड ध्यान रखना है और दूसरे नंबर पे ये चलाजल एंड याद रखना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चलाजल एंड पर आपके एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोपिलर पर आप लोगों के सिनर्जिड्स, ठीक है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है और यहां पर आपकी इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, यहां से भी हो सकता है, तीनों जगह से पॉसिबल है। मोस्ट प्रोबेबल जो चांस होता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का, दैट इज फ्रॉम योर माइक्रोपाइलर एंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर माइक्रोपाइलर एंड से हुआ है तो नाम क्या होगा, इंटेग्यूमेंट से हुआ है तो नाम क्या होगा, चलाजल एंड से हुआ है तो नाम क्या होगा। यही क्वेश्चन मैं आपसे सिंपली पूछने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देना चाहती हूँ किस चीज के बारे में, मैं आपको यहां पर बता देना चाहती हूँ, ये डायग्राम आपका गिवन था और ये डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो यहां पर सबसे ज्यादा आसान मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भैया अभी हमारी मैम ने हमको बताया था कि इंटेग्यूमेंट्स ये होते हैं, क्या होते हैं आपके इंटेग्यूमेंट्स ये। तो देखिए, जब कभी भी आप लोगों से इंटेग्यूमेंट्स के बारे में बात की जाएगी तो इंटेग्यूमेंट को हम मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। आप जितने भी समझदार बच्चे हैं, भैया ये चलाजल एंड है आपका, ये माइक्रोपाइलर एंड था, चलाजल एंड वाले को हम क्या कहेंगे भैया, चलाजोगैमी, क्या कहेंगे, चलाजोगैमी। तो भैया सी पर हमारा मीजोगैमी है, बी पर हमारा चलाजोगैमी है और माइक्रोपाइलर एंड वाले को इसको हम क्या कहते हैं भाई, पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के बारे में पूछा जा रहा था कि भाई अगर माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, इंटेग्यूमेंट से होता है तो क्या कहा जाएगा, चलाजल एंड। सबसे ज्यादा आसान है याद रखना चलाजोगैमी, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता आपको तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द नंबर ऑफ क्यूक्यूबेटी, जैसे आपकी बटल गॉर्ड, पंपकिन, है ना, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, उस फैमिली की बात चल रही है। आपसे बोला जा रहा है दे आर हैविंग लार्ज फ्रूट्स व्हाइल देयर स्टेम्स आर यूजली नॉट मोर देन अ फिंगर। ये तो मेरे दिमाग में भी सवाल था भाई कि बेल इतनी पतली सी और भाई फल इतने इतने बड़े, आपने देखी तरबूज और खरबूजे की बेल बहुत सूखड़ी सी होती है लेकिन फल इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर का सिस्टम क्या है वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट हेल्प सो मच फूड टू ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू द फ्रूट फॉर स्टोरेज, कि भैया लीव से फ्रूट तक स्टोरेज का क्या हिसाब किताब है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये डायग्राम गिवन नहीं था, ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए लाई हूं। तो बेसिकली इसको बोला जाता है को ज्वाइंट बाई कॉलिट्रल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते थे। कि जब कभी भी वेस्कुलर बंडल्स की बात होती है तो मेरे दिमाग में तो तुरंत जाइलम और फ्लोएम दौड़ जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है, जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे आप बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है कि जहां पर आप लोगों का जो जाइलम होता है वो आपके फ्लोएम से कनेक्टेड होता है, यानी इंटरमीडिएट जाइलम होता है, दोनों तरफ आप लोगों के फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आपकी कैम्बियम रिंग बनती है, ठीक है।
दिस इज योर आउटर कैम्बियम एंड दिस इज योर इनर कैम्बियम. तो इसको हम बाइकोलेट्रल कहते हैं. को ज्वाइंट बाइकोलेट्रल क्यों कहा जाता है? बीच में जाइलम होगा, दोनों तरफ फ्लोएम होगा. यही हिसाब किताब होता है बड़े बड़े तरबूज खरबूजों में. और जिनकी बेल बहुत पतली सी होती है हर उस फ्रूट में जो कुकरबिटेसी में आता है. तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सिस्टम पाया जाता है हमारा, बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स वही जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है. बाइकोलेट्रल क्यों बोला है? क्योंकि भैया दो फ्लोएम है और बीच में सिर्फ एक जाइलम है. इतना ध्यान रखिएगा. तो इन टर्म्स को आप सीखना स्टार्ट करो तो ही आप समझ पाओगे कि भैया क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से चल रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहां पर बात की जा रही है कि कुछ बर्ड्स हैं ब्लैक प्यूमेज जीन डोमिनेंट करता है किस पर, व्हाइट पर. तो वन ब्लैक बर्ड वॉज मेटेड विद व्हाइट फेदर बर्ड, इट रिजल्टेड इन ऑल चिक्स विद ब्लू प्लूमेज. ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कुछ भी नहीं है, ब्लू पिंक कुछ भी नहीं है. आप मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट याद करो जहां पर उसने टॉल प्लांट लिए थे ड्रॉफ के साथ और फर्स्ट जनरेशन की सल्फिंग करवा दी थी. सेम काम वहम करने वाले हैं. तो देखिए ब्लैक कलर को मैं डिनोट करूंगी बीबी से, व्हाइट कलर को डिनोट करूंगी बीबी से. तो फर्स्ट जनरेशन में मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या आया है. भैया ब्लू बर्ड आई है. कैसी आई है? ब्लू. ये आप लोगों का ब्लैक था, ये मेरे पास एफ वन जनरेशन है. ये क्या है भैया? मेरे पास व्हाइट है. अगर मैं इसकी ही सेल्फिंग करवा दूं F2 जनरेशन के लिए तो मेरे पास क्या रेशियो आएगा? मुझे पता है आप बिल्कुल सही आंसर देंगे. और मेक श्योर आपको यहां पर देखना है भाई बी 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 अगेन बी बी एंड बी और बी. इसी की तो बात कर रहे हैं भैया, एक वाइट भी बन गया. तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है 3:1 टॉल और ड्राफ वाला. सेम हम यहां पर कर सकते हैं कि भैया ये तीन तो हमें कुछ अलग ही हिसाब किताब में मिली हैं. जैसे उस बेचारे का दिमाग कंफ्यूज हो गया था, किसका? मेंडल का, कि भैया अब भी तो सारे बड़े पौधे थे, अब अचानक से छोटा पौधा कहां से आ गया. सिमिलरली वही रेशो आपको मेंटेन करना है. यानी अगर मैं आप लोगों से जीनोटिपिक रेशो की बात करूं, दिस इज योर जीनोटिपिक रेशो. फाइलो रेशो आप लोगों का कितना होता है? 3:1. लेकिन जब कभी भी आप जीनोटिपिक रेशो के बारे में बात करते हैं तो दिस इज 1:1:1:1. ये क्योंकि दोनों सेम है तो इसको मैं 2 लिख सकती हूँ. तो 1:2:1. तो कहां पर आप लोगों का बैठ रहा है कि भैया आपके पास एक ब्लैक है, ठीक है, आपके पास एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, दो ब्लू है. सो ये आप लोगों के पास कैसा आया भैया? ब्लैक आया है. ये कैसा आया? ब्लू आया है. ये आप लोगों का व्हाइट आया है. तो आप रेशो देख लो कहां पर कौन सी चिड़िया का ठीक बैठ रहा है. तो फर्स्ट पर ब्लैक बैठ रहा है, ठीक है, 1:1 में ब्लैक है, 1 पर व्हाइट है, 2 पर ब्लू है. तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हुआ 1:1:2. ठीक है, तो 1:1:2 आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिला लेना है, लेकिन रेशो आपको ही ध्यान रखना है. टॉल और ड्राफ्ट सिंपल एक्सपेरिमेंट था, कोई इसमें हमने टेंशनबाजी नहीं करी है. आपको बस ध्यान रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, ध्यान रखिएगा. चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ. नेक्स्ट, द एडजेसेंट डायग्राम शोज क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ प्लांट्स पिगमेंट एक्सक्रेटेड फ्रॉम स्पिनच लीव्स. तो बेसिकली आप लोगों से क्रोमैटोग्राफी के बारे में बात की गई है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, क्रोमैटोग्राफी हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज आएगी. एनसीईआरटी में क्लियरली एक्सपेरिमेंट गिवन है. आपको मैं इसको सॉल्व करवाने से पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस किस सीक्वेंस में जाते हैं. सबसे पहले आपका क्या निकलता है? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल और कैरेटिन. फर्स्ट आप लोगों का फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स गिवन है. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये आप लोगों का पूरा पूरा सेटअप होता है, क्रोमैटोग्राफिक पेपर, मिक्सचर, स्टार्ट लाइन, सॉल्वेंट. परफेक्टली फाइन. अगर और भी सिंप्लीफाइड आपको ध्यान रखना है तो आपको मैं बता रही हूँ कि कुछ कलर्स होते हैं जिनको हमें याद कर लेना होता है. कलर के हिसाब से हम फिर उसके पिगमेंट्स याद कर लेते हैं. जैसे क्लोरोफिल ए में आप लोगों का डार्क ग्रीन कलर आता है, क्लोरोफिल बी में आप लोगों का येलोइश ग्रीन, येलो से ग्रीन के बीच का जो रेशो वो वाला कलर आता है. जेंथोफिल आप लोगों का हमेशा येलो कलर देता है, कैरोटीनॉइड्स आप लोगों का हमेशा ऑरेंज कलर देता है. तो जब कभी भी हम स्पिनच की बात करेंगे उसके केस में स्पिनच लगा लो, पत्ता लगा लो, कुछ भी गिवन हो सकता है, लेकिन आपको ये चार्ट अच्छे से याद में रखना है. अब इस चार्ट की फॉर्म से मैं कैसे सॉल्व कर दूंगी, एक मिनट में जरा ध्यान से देखिए.
मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका कोई भी पिगमेंट हो, सबसे पहले आप लोगों का क्लोरोफिल बी एक्सट्रैक्ट होता है, तो पहले नंबर पे आप लोगों का क्लोरोफिल बी आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्लोरोफिल बी मिला, फिर मुझे क्लोरोफिल ए मिला, फिर मुझे कैरेटिनॉइल्स मिले और लास्ट में मुझे कैरेटीन्स मिले। अगर कलर पूछे तो भी बता देना भाई कि हमारी मैम ने हमको बताया था इनके कलर के बारे में, और कलर के बारे में कहाँ पर बताया था, यहाँ पर बताया था। तो जितनी भी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं, मेक श्योर यू हैव टू टेक द स्क्रीन शॉट। मैं साइड हट जाऊँगी और आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, परफेक्टली फाइन। चलिए बढ़ते हैं थोड़े से और सवालों की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सम प्लांट्स एंड फंगस सम सेल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड विच कन्वर्ट लिपिड्स विच इज अ फॉर्म ऑफ फैट टू शुगर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑयल सीड जर्मिनेशन। अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी सेल ऑर्गेनिज्म की, फटाफट सॉल्व कर लेगा। देखिए, लाइसोसोम के बारे में ऐसा तो कभी नहीं सुना था हमने, सुसाइडल बैग ही सुना है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस तक ही सुना है। अब यहां पर दिमाग लाइपोसोम्स में और ग्लायोक्सिसोम्स में, बात किस चीज की चल रही है भैया? प्लांट्स की बात चल रही है। किस चीज की बात चल रही है? प्लांट्स की बात चल रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी यहां पर स्टोरेज रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, आप लोगों से कन्वर्जन रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए किस चीज के बारे में, ग्लायोक्सिसोम के बारे में। इसी को हम परऑक्सिसोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा परऑक्सिसोम ग्लायोक्सिसोम दोनों एक ही चीज है भाई, ग्लाइक्सी लिख दिया, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में परऑक्सी लिख दे, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो आपको सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन भी बखूबी पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व द पेपर, परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालिसिस ऑफ वाटर वेस्ट एसरेशिया कोलाई, भाई ये मेरा फेवरेट है, इसको हम बड़े प्यार से ई कोली के नाम से भी जानते हैं। दिस इज फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, हमारे इंटेस्टाइन में अच्छा बैक्टीरिया होता है ये, है ना, डाइजेशन वाइजेशन में मदद करता है, विटामिन के सिंथेसिस भी करवा देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगी, है ना, प्लेट काउंट में ना, आ इंडिकेटर ऑफ फीकल कॉन्टमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो फीकल मैटर में भी सबसे ज्यादा पाया जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो NSCJS हमेशा बहुत भयंकर सवाल नहीं देती है, कभी कभी बहुत प्यारे सवाल भी नहीं देती, पिछले दो सवाल काफी अच्छे थे, आसान थे। तो अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन होगी आपकी तो मुझे भरोसा है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एसिड रेन डैमेजेस सॉइल एंड लेक्स, हम सभी को पता है। इन हाई लेवल डिपोजिशन हैव डैमेज हाई अल्टीट्यूड फॉरेस्ट सीन्स बीइंग एनसर्कल्ड बाय एसिडिक फॉग्स एंड क्लाउड्स, इट आल्सो अ फैक्ट। कुछ नहीं, पहले कहानी दे रखी है और लास्ट की लाइन में पूछ रखा है कि कौन सा पीएच लेवल भाई सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो हम सभी को पता है एक ही पीएच लेवल को हम पसंद करते हैं, दैट इज न्यूट्रल, है ना, दैट इज वॉट योर न्यूट्रल, दिस इज एसिडिक, दिस इज बेस। तो भैया इसके आसपास वाली जो भी रेंज होगी, यानी 6.5 से 7.5 इज द बेस्ट फॉर सर्वाइवल, है ना, इससे उधर की तरफ जाएंगे बेसिक हो जाएंगे, इधर की तरफ तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि एसिडिक माहौल हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रल के आसपास जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है, दैट इज योर आंसर, क्लियर। चलिए नाइन्थ, स्टीरॉयड हार्मोन्स इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन एंड हार्मोन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवेरियन हार्मोन। बेसिकली यहां पर आप लोगों से ओवेरियन हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर कोई होशियार बच्चा होगा, ओवेरियन हार्मोन तो मेरे दिमाग में ईस्ट्रोजन आता है। मैं इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाऊंगी कि जब मुझे पता होगा कि ईस्ट्रोजन का दूसरा नाम ईस्ट्राडायोल होता है, तो ही मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगी, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन है। ओवेरियन हार्मोन जब कभी भी आए एस्ट्रोजन, और उसका दूसरा नाम ईस्ट्राडायोल, यानी ईस्ट्रोजन इज आल्सो नोन एज ईस्ट्राडायोल, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट बेस्ड खेल रहा है भैया NSCJS, अगर तैयारी है बढ़िया तो आप सॉल्व कर सकते हो। चले नेक्स्ट है आप लोगों का, इन द वर्टिब्रे कॉलम ऑफ मैन देयर आर 26 वर्टिब्रे, 35 होते हैं जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन 33 से इनका नंबर रिड्यूस होकर 26 हो जाता है, सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड या रिलेटेड विद पेल्विक रीजन। सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं याद करोगे तो पेपर में ऐसे बैठे रह जाओगे। सबसे पहले सर्वाइकल याद रखना है, तो C1 से C7 आप लोगों का सर्वाइकल रीजन जो कि ये वाला होता है, थोरेसिक T1 से T12, लंबर
L1 से L6 आप लोगों का लंबर होता है, कॉकिक्स एंड सैक्रम आप लोगों का सबसे लास्ट होता है। आपको नहीं लगता कि सैक्रल के बारे में बिल्कुल सही बात की गई, लेकिन स्टार्ट यहां से हो रहा है, खत्म यहां से हो रहा है, यानी यहां पर आप लोगों का पैल्विक रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सर्वाइकल कहां पर भैया? नेक में, थोरेसिक थॉरिक्स में, लंबर एब्डोमिन में, सैक्रल पैल्विस में, कॉकल आप लोगों का लोअर पैल्विस में। तो यहां पर आप लोगों से पैल्विस रीजन पूछ रहे हैं, तो भैया बता दो सैक्रल है भाई हमारा, क्या आंसर है हमारा? सैक्रल। तो आपको ये सारी चीजें एज इट इज याद करनी होंगी, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्टिब्रे कॉलम, देखिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें रट लो, बढ़िया से याद कर लो, पूछी जाती हैं पेपर में। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट, एमिडन मेयरहॉफ पाथवे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। यहां पर क्या होता है, आप लोगों का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? पाइरूविक एसिड में, लेकिन बीच में इतने सारे स्टेप्स हैं, कई बार एटीपी यूज होती है और कई बार एटीपी बनती है। तो आपसे इस चार्ट के माध्यम से पूछा जा रहा है भाई कि एटीपी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जो एटीपी फॉर्मेशन करवाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेक श्योर आपको सारे के सारे फ्लो चार्ट्स, ग्लाइकोलाइसिस, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सब रटा हुआ होना चाहिए। तो ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-डाइफॉस्फेट, ऐसे कर करके भैया ये पाइरूविक एसिड तक आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पर दो चीजें याद करी थी कि जब कभी भी मुझे एटीपी की जरूरत होगी, एक तो लास्ट स्टेप में आप लोगों का एटीपी बन रहा होगा, तो मेक श्योर कि जब आप लोगों का फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड में चेंज हो रहा होगा, अब यहां पर डेफिनेटली तो आपका एटीपी बन रहा होगा। मैंने हर बच्चे को बताया कि भैया ग्लूकोज टूटता है हमारी बॉडी में, डेफिनेटली टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, हम सांस ले रहे हैं क्योंकि हम एटीपी चाहिए। एटीपी कैसे मिलेगा? ग्लूकोज के टूटने से मिलेगा। तो ग्लूकोज के टूटने का फाइनल स्टेप क्या है भैया? ये रहा। तो मैं इतनी समझदार तो थी, मैं उम्मीद करती हूं आप भी इतनी समझदार होंगी कि फाइनल स्टेप में तो एटीपी मिलेगा ही मिलेगा, यानी E10। तो E10 मेरा यहां पर भी है, E10 मेरा यहां पर भी है, दो ऑप्शन तो मैं ऐसे कट कर देती हूं अगर मुझे चार्ट मान लो याद भी नहीं है, बहरहाल तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आप लोगों का एक ऐसा स्टेप होता है जहां पर आप लोगों का डाइमराइजेशन आइसोमेराइजेशन हो रहा हो। मैंने याद करा था कि 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब चेंज होगा ग्लिसरिक एसिड में, यानी E7 स्टेप पर भी आप लोगों का एडीपी से क्या बन रहा होगा बेटा? एटीपी बन रहा होगा। तो आंसर है E7 से E10। अब आपको कि मैम आपने तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया, आपको तो याद है, तो बेटा याद आपको भी होना चाहिए, पूरी साइकिल एनसीईआरटी में गिवन है। मैं आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनसीईआरटी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी यहां पर आप लोगों का एटीपी रिड्यूस हुआ था एटीपी में, विच इज E1 स्टेप। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोसिल 6-फॉस्फेट बना है, फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट बना है, यहां पर भी आप लोगों का एटीपी से एडीपी रिडक्शन हुआ था। यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर सिर्फ एक पूरा स्टेप है ट्रायोस फॉस्फेट से आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, सिर्फ एक सिंगल स्टेप है जहां पर आपका NADH+H+ फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेक श्योर दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये पूछ ले आपसे। एटीपी प्रोडक्शन सभी को पता है, एडीपी प्रोडक्शन कहां कहां पर हो रहा है वो आप ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के दो स्टेप में एडीपी फॉर्मेशन होता है, E7 में E10 में आप लोगों का एटीपी प्रोडक्शन होता है, और बीच में सिर्फ एक ये वाला स्टेप है जहां पर आपका NAD+ कन्वर्ट्स इनटू NADH+H+। तो ये साइकिल आप लोगों को याद होनी चाहिए। EMP पाथवे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मींस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए बकायदा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ थिक व्हाइटिश बैंड ऑफ सेमी सर्कुलर नर्व फाइबर इज फाउंड। अब मैं यहीं रुक जाऊंगी, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नर्व फाइबर, ठीक है? ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऑफ मैमिलियन ब्रेन, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे मैमिलियन ब्रेन, वी आर द मैमल्स, राइट? अब कोई होशियार बच्चा होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम, भैया ये तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था, ओवरी का हिसाब किताब होता है, इसका दिमाग से तो कोई लेन देन नहीं है, यानी ये तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ा है। कॉर्पस स्ट्रेटम, जब कभी भी आप लोगों से स्ट्रेटम के बारे में बात की जाए, तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ नर्व्स, है ना, बहुत सारी नर्व का इकट्ठा गुच्छा उसको कहेंगे,
ठीक है, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, अ थिक व्हाइटिश बैंड ऑफ सेमी सर्कुलर नर्व फाइबर, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए भाई। स्टार्टिंग का नाम सबका एक जैसा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो मेक श्योर कौन सा कॉर्पस किस ऑर्गन से रिलेटेड है, दैट इज द की पॉइंट। याद होगा सॉल्व कर पाइएगा, नहीं याद होगा तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। चलिए 13th, इन एनिमल क्लासिफिकेशन सिमेट्री ऑफ द बॉडी। अब आप कहोगे मैम सिमेट्री किसे कहते हैं, अगर आप मुझे बीच में से काट दो तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स में इक्वल बढ़ जाऊंगी, मैं बायलेटरल सिमेट्रिकल हूं। यानी जब कभी भी आप किसी चीज को बीच में से काटो तो लेफ्ट राइट के बराबर होना चाहिए, दैट इज बायलेटरल। यहां पर कुछ होते एसिमेट्रिकल, मतलब नो सिमेट्री, कहीं से भी काट दो इक्वल होगा ही नहीं। रेडियल सिमेट्री भाई, कहीं से भी काटो सब बराबर मिलने वाला है, जैसे खरबूजा, ऐसे काटोगे तो भी बराबर है, ऐसे काटोगे तो भी बराबर है, ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे तो भी बराबर है, ठीक है। एग्जाम्पल है निडेरिया। बायलेटरल जितने भी आप लोगों के आर्थ्रोपोड्स होते हैं और हम इंसान बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कुछ ऐसे एक्सेप्शनली कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, कौन कौन से ऐसे हैं। भैया ओबेला आप लोगों की रेडियल सिमेट्री दिखाती है, क्लायोना कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होती है। ग्रिडेरिया इसका करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आंसर विल बी द राइट वन। मेरे होमवर्क में क्वेश्चन है इसकी सिमेट्री कौन बताएगा, तो जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे ट्राइपेनोसोमा की सिमेट्री आप बताएंगे, ठीक है। और साथ ही में मुझे बताओगे कैन किन सीलम प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो मेक श्योर आपको ये होमवर्क में जरूर करके लाना है, जो भी बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 14, निसल ग्रैन्यूलर। इसका नाम तो हर किसी बच्चे ने सुना है, निसल ग्रैन्यूल, निसल ग्रैन्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, न्यूरॉन में। तो ऐसे सस्ते और प्यारे सवाल भी पूछ लेता है एनएससीजेएस, हमेशा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द वायरस। वायरस के बारे में हम सब जानते हैं बहुत नालायक होता है, हमारी बॉडी में आकर हमारी मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, प्योरिफिकेशन पावर बहुत मस्त होती है ना। अब क्या बात गलत कही गई है ये देख लेते हैं। मतलब प्रोटीन कैप्सिड ऑफ वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल, करेक्ट बात है, जेनेटिक मटेरियल आएगा। द जेनेटिक मटेरियल इज ईदर आरएनए डीएनए, बिल्कुल सही बात है, दोनों कभी भी नहीं होते किसी के अंदर, कोई एक होगा। बट हमें तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल बताना है, द वीरियंस रेप्लीकेट द आउटसाइड नहीं होगा भाई, बॉडी के अंदर आकर एप्लीकेट करना स्टार्ट करते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता है। तो थर्ड आंसर गलत है, नॉट एप्लीकेबल। सो इसका करेक्ट आंसर है भैया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कार्लस लीनियस अ स्वीडिश बोटेनिस्ट इज क्रेडिट बाय बायनोमल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, होमोसेपियन है ना, राना टिग्रीना, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, मैंगी फेरेंडिका, this is binomial nomenclature, he is known as the father of nomenclature, he is known as the father of identification। इन्होंने बहुत सारे काम करे हैं कार्लस लीनियस से, मतलब 90% सिलेबस बढ़ा दिया है हमारा बायो का, टू बी वेरी फ्रेंक। इन्होंने अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था किस चीज का, प्लांट्स का। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने हमेशा मॉर्फोलॉजिकल द स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर क्या करा था, लोगों को क्लासीफाई करा था, चीजों को क्लासीफाई करा था। और जब हम मॉर्फोलॉजिकल चीजों को आधार रखते हुए किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कार्लस लीनियस ने मॉर्फोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन करा था, विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, परफेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं इस पूरे पेपर का एनालिसिस करूं, हमें पेपर सॉल्व करने में 28 मिनट लग गए, 28 मिनट अभी जो मैं टाइम देख पा रही हूं, अगर मुझे नॉलेज होगी या मैं आपकी बात करती हूं, तो मैं मानती हूं 20 मिनट के अंदर अंदर ही पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए बायो का। वी आर हैविंग कितने मिनट्स थे इनिशियली, आप लोगों ने देख लिया था कि जब मैं आपको सॉल्व करवा रही थी कि आपके पास सॉल्व करने के लिए 120 मिनट है। तो मेक श्योर 120 में से 20 से 25 मिनट सिर्फ बायो पे लगाइएगा, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो थ्योरिटिकल है, जो आपको एक बार में समझ आ रहे हो, ज्यादा टाइम आपको न्यूमेरिकल पर और केमिकल रिएक्शंस पे लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ऐसे पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए उस सब्जेक्ट को पकड़ो जो थ्योरिटिकल है, फिर ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो आपका ज्यादा बेटर है। न्यूमेरिकल्स पे अभी कोई टाइम वेस्ट मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर की अगर मैं आपसे बात करती, अगर इसमें फिजिक्स और
केमिस्ट्री भी होता. तो सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना, उसके बाद आप कुछ ऐसे थ्योरेटिकल आंसर्स जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपको आते हो, फाइनली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी दीजिएगा. सो ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और नंबर अच्छे आने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी. सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर. जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर पढ़े, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड आपको क्या करना है, जो होमवर्क दिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है. सो 2020 के पेपर के साथ बहुत जल्दी मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.